एक बहुत ही कंसर्निंग न्यूज़ सामने आई है बैरिस्टर गौहर अली खान जो पीटीआई के चेयरमैन है ही वॉज अटेंडिंग द सुप्रीम कोर्ट हेयरिंग उनके बल्ले के सिंबल पे तो आ, उनके घर पे आई बिलीव अटैक कोई सम पीपल रेड हुआ है उनके नेफ्यू और बेटे को मारा पीटा भी है और उनके इलेक्ट्रॉनिक्स और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी कॉन्फिस्केट करनी है काजी फायदीसा साहब को उन्होंने जब इस बारे में बताया तो फीज रेस कंसर्नज ओब आई जी इस्लाबाद को कहा कि जी आप इसके खिलाफ कोई एक्शन दीजिए हाँ जी वो वी जी साहब आए अदालत में तो उनसे जब पूछा गया तो उनको पता था कि ये मामला था क्या सो उन्होंने तो कहा जी कि हमें कोई टिप मिली थी कि इनकी जिस घर में ये जा रहे हैं रेड करने के लिए वहाँ कोई प्रोकलेम डिफेंडर पीओ वहाँ पे हैं तो उनको हम पकड़ने गए थे तो उनसे जब पूछा गया कि वो कौन थे पीओ आप उनका नाम बताएं जिनके बारे में आपको शक था तो उन्होंने कहा वो डिटेल मेरे पास अभी फ़िलहाल नहीं है अलबत् जो एस आई एस जो भी आ, मौके पर थे आ, उनको पता होगा उनके पास वो चीज़ लिखी हुई कहीं होगी उसके बाद उन्होंने कहा जी कि लेकिन हमने वहाँ जा ना कुछ तशद्द की है पुलिस की बात ना ही हमने वहाँ जा के कुछ चीज़ें लेके गई अलबत्तः जब हमें पता चला ये बैरिस्टर गौर का घर है तो पुलिस वहाँ से चलेगी इससे बिल्कुल बरक्स जो स्टेटमेंट है वो है मिस्टर गौर की जिनकी वीडियो भी उसके बाद शेयर हुई थी जब वो अपने घर के अंदर जा के मीडिया को मुआना करा रहे थे कि उन्होंने दरवाजे भी तोड़े उन्होंने वो दो जो बच्चे थे जिनका बेटा और भांजा जैसे आपने कहा उनकी भी उन्होंने दिखाया कि उनको मारा पीटा है और चीज़ें भी बिखरी हुई थी वो तो नज़र आ रहा था उसमें से लेकिन पुलिस का ये कहना है कि हमने इस किस्म की कोई चीज़ नहीं की नंबर वन दूसरा काजी भाई साहब चूंकि ये टाइमिंग इसकी इस, इस किस्म की थी कि बिल्कुल वो अली जफर साहब जब आ, अपनी दलील पेश कर रहे थे ये ई सी पी वाले केस के रिबर्टल में और तो साथ ही ब्रिस्टर गौर थे तो उसी मौके पर किसी ने आगे कान में पुकारा कि जी आपके घर पर ही हो गया तो उस वक्त तो काजी भाई साहब ने बात नहीं करनी थी बट उसके बाद उन्होंने जो स्टेटमेंट जो, जो जो की कि जब आई जी साहब आ गए तो उन्होंने कहा आई वॉन्ट हेड्स टू रोल यानी कि वो उस पर काफ़ी कंसर्न थे तो अज खुद नोटिस की जो एक बुलंद तरीन जो एग्ज़ाम्पल है वो आज सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल ही फ़ौरन ही सेट होगी लेकिन ज़ाहिर है जैसे आपने कहा कि हम मजम्मत करते हैं इस किस्म की चीज़ की बिल्कुल किसी को भी तशद का निशाना नहीं बनाना चाहिए कोई रेडे नहीं होनी चाहिए और, और इतना करीब इलेक्शन के जाके इस किस्म की चीज़ें हो तो फिर जहन में बड़े और मुख्तल ख्याल आता सर पाकिस्तान में हर डिस्प्यूट का जो रेजोलूशन है ना वो एक ही है सुलह So, <laughs> सुला हो बाकी जो सबसे मजेदार आया मतलब खैर वैसे तो है, बहुत इवेंट है, लेकिन उसमें जो ट्वीट थी ना पुलिस की तरफ से हाँ वो उसके हाँ। अल्फाज हैं कि पुलिस को इतला मिली है में इतना फैलाओं नहीं पता होता की एक बाजू क्या कर रहे अच्छा दूसरी चीज ये है की ये जो सारा मसला चल रहा है ना उसमें कभी इस तरह की हमें रिपोर्ट आती है के जी पीटीआई के जो लॉयर्स हैं ये सारे बल्ले का जो मिल रहा है सिंबल नहीं मिल रहा, रहा। लॉयर्स पीटीआई टी के तैयारी के साथ नहीं आए ऐसे लग रहा है लॉयर्स पीटीआई के जो हैं वो हार जाएंगे ये एक तरफ ये चल रहा होता है दूसरी तरफ ये चल रहा होता है कि जी वो प्लान बी इन एक्शन हो गया प्लान बी की तरफ हमने दो हफ्ते पहले इसी शो में हमने प्लान बी बता दिया था कि वो क्या किया था अच्छा सो बहर हाल वो होता है कि प्लान बी इमरान खान ने या पीटीआई ने ऐसी एक चाल चल दी एक नया वो आ गया अच्छा उसमें ना मुझे एक तो ये होता है कि भाई सारी जिंदगी हमने ये देखा है और सिर्फ अपने मुल्क में नहीं बाहर भी विक्टम हुड प्ले किया जाता है ये जो नई जनरेशन है ना पाकिस्तान की ये विक्टम हुड नहीं प्ले करना चाहती इनको ये है कि देर इज स्टिल समथिंग आपार्स स्लीव ये अगर आप इनको ये कहो ना कि हमारे साथ ज्यादा होगी तो इनका दिल आपके साथ नहीं जुड़ेगा नहीं। इनका दिल आपके साथ जुड़ेगा जब आप कहोगे कि तुम देखना अभी भी मैं जीत के दिखाऊंगा ये एक बड़ी एक नया फिनना है पाकिस्तान में सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए